how excited are you for this evening? Are you nominated? Are you performing? Because you last time, so. I don't know if I'm nominated because I haven't checked. I have a performance and I'm really, really nervous and excited about it. It's going to be a new kind of a performance that I'm going to try. It's an experiment, so fingers crossed. देखिए कूल के बारे में तो नहीं बोल सकता मैं. द थिंग इज कुछ बोलने से पहले यू नीड टू एडमिट दैट आई हैव ऑल्सो संग अ लॉट ऑफ रीमिक्सेस रिसेंटली एंड ट्रस्ट मी आई हैव लाइक्ड इट. मतलब मुझे बहुत सारा रीमिक्स पसंद नहीं है और बहुत सारे रीमिक्सेस हैं जो पसंद है. सो आई थिंक इट्स इट हैज़ बोथ द साइड्स. यू नीड टू मेक इट गुड. यू नो रीमिक्स ऐसा होना चाहिए कि आप बेसिकली इट्स अ रिकॉल टू ओल्ड सॉन्ग्स. लोग भूल जाते हैं. रीमिक्स होता है तो वापस से आता है एंड यू नो इट्स गुड मेलोडीज पीपल रिमेंबर. सो इट हैज़ अ गुड साइड. और बैड साइड भी है. बहुत सारे रीमिक्सेस है जो हम लोग को सच मतलब पसंद नहीं आते हैं एंड दीज हैव यू नो डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक. तो वो तो है. वो वेरी करता रहता है पीपल टू पीपल. हम लोग देखते हैं कि आजकल जो शब्द होते हैं लिरिक्स होते हैं उनमें भी जैसे कुछ CBFC वगैरह वो लोग कहते हैं कि इसे बदलाव किया जाए. CBFC मतलब आई डोंट नो. अच्छा फिल्म से लगे जैसे सोलो गाने आए थे. मिहिर जोशी थे उनका सोलो गाना था जिसमें बॉम्बे शब्द को यूज किया गया था. लास्ट टाइम टू चेंज इट टू मुंबई. ओके इस तरह की चीज़ों से आप सहमत हैं? मतलब जिस तरह से ये बदलाव करने के लिए कहा जाता है एक कलाकार को कहा जाता है. देखिए मुझे ये सब बारे में जानकारी नहीं है बिकॉज दीज आर लीगल थिंग्स. जो बोर्ड से कोई अगर ऐसा होता है कि कोई वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते आई एम श्योर देर मस्ट बी यू नो सम लीगल इश्यूज इन दैट. बट जनरली क्या होता है कि ये बॉम्बे और मुंबई का आपने बोला तो मुझे समझ में आ रहा है. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज यू नीड टू राइम द वर्ड. एक लिरिक में गाने के लिरिक में राइम करने का बहुत ज़रूरत होता है. तो शायद वो राइम के चक्कर में मुंबई को बॉम्बे कहा होगा किसी ने. बट इंटेंशनली इन द इंडस्ट्री नो वन वुड लाइक टू डू समथिंग विच इज़ इलीगल. सो देखिए आर्टिस्ट वर्ड का अभी इफ गवर्नमेंट थिंग्स लाइक दैट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. हम लोग कैसे कर सकते हैं बिकॉज इट्स देयर कॉल. बट जनरली वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच. वी कैन स्पीक एनीथिंग. बट ऑफकोर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन व्हाट यू स्पीक दैट इज you have to be responsible about what you speak and when you speak, where you speak. So wo to obviously sabka responsibility rehta hai. We need to understand that. I think, can I ask you about since you are part of the entertainment industry and also citizen of India, budget effect karta hai aapko jo union budget aata hai uske bare mein kuch vichar insight agar aap kuch kehna chahe. No, I have no idea about all this because technically. I know technically toh nahi malum hai obviously because we are not in that content. We don't even think about all that. I think about you know the politics of the country because I feel responsible about it, but not that that much into detail in that. Farak sabko padta hai budget ka. Matlab economy agar aap padhte ho to usme any changes in the economy, any changes in the budget will affect every and each and every person in the country. So of course I'm getting affected every day, but the difference is I don't know where I'm getting affected. Any provision you would like as a person ki aisa pravadhan ya provision hona chahiye for any women, for education, for farmers, for as an artist, any tax related? I'm just giving you options. Provision to do what? गवर्नमेंट जब लाए ये बजट तो ये चीज़ों का ख्याल रखे.